हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे ही होंगे और मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस तहे दिल से तो ये वीडियो पूरा देखना और आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये है गाजियाबाद शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन जो कि यहां से मेरठ के लिए मेरठ के लिए रास्ता चला जाता है तो देख सकते हैं जहाँ से मेरठ रोड स्टार्ट होती है वहीं पर ये मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है बहुत बड़ा बहुत लंबा चौड़ा और आपको बता दें इस स्टेशन को जो कंपनी बना रही है वो बना रही है के कंपनी द्वारा बर्क चल रहा है इस पर और आपको बता दें ये वाहन जो जा रहे हैं ये जा रहे हैं मोहन नगर की साइड में और आ रहे हैं शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन न्यू बच गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया की तरफ से तो देख सकते हैं तस्वीरें तो आपको बता दूं कि मैं फ्लाई ओवर पर आ चुका हूं और फिर आपको दिखाते हैं देखो मैं साइड में आ चुका हूं अब देख सकते हैं आप लोग ये देखिए तो किस तरीके से ये केसी के द्वारा वर्क चल रहा है इसमें आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इन्हें सन 2023 हज़ार तेईस तक डेडलाइन इनकी ख़त्म हो जाए कि यहाँ से मेट्रो स्टार्ट हो जाए तो देख सकते हैं ये जो पिलर जो ये जो पड़े हुए हैं ये ऊपर रखे जाएंगे इसके ऊपर और जो साइडों में ये चमक रहे हैं ना ये लगाए जाएंगे ये जो छेद वाले चमक रहे हैं और इन्हें इन्हें बोलते हैं बीम देखिए ये बीम इन्हें बोला जाता है ये भी जो लगाए जाएंगे वो भी ये भी बीम है ये बीम ऊपर रखे जाएंगे तो यहाँ से उठेंगे ये मशीनों द्वारा उन पर लगाए जाएंगे तो ये छोटे वाले बीम है जो साइडों में लगेंगे ये चिपकाए जाने हैं गैस और ये है क्रेन मशीन के इसी कंपनी की तो देख सकते हैं यहाँ के इसी कंपनी ये इस मेट्रो स्टेशन को बना रही है जो गाज़ियाबाद का पहला मेट्रो स्टेशन है जो मेरठ रोड का पहला मेट्रो स्टेशन होगा गाइस डेली टू मेरठ कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के पी संत ऐसे ही ब्लॉक्स लाता रहता है गाइस आप लोगों के बीच में और आपको बता दो कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दे रहा हूँ तो बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में के पी संत कंटिन्यू गाइस लाता रहेगा अब तो आप लोग पूरा देखो ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो लाइक शेयर कमेंट करो और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो अब कंटिन्यू के पी संत के चैनल पर जाकर विजिट करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो और आप लोगों को मैं आप लोगों के बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ भी डेहली एन में जहाँ पर भी वर्क हो रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना मैं उसको बनाकर और आप लोगों के बीच में मैं प्रोवाइड कर दूंगा गाइस तो देख सकते हैं क्योंकि ये फ्लाई और ये मेट्रो का जो मेट्रो का ये है जो मेट्रो है इसको क्रॉस करवाना है तो देख सकते हैं ये एक तो बीम लग चुका है जो कि ये लोहे का है लोहे का भीम है और सबसे ऊंचे भीम यही हैं क्योंकि यही पिलर हैं सबसे ऊंचे क्योंकि इन्हें क्रॉस करवाना था और इधर इंडियन रेलवे का ब्रिज ब्रिज बनाया गया इंडियन रेलवे की लाइन को क्रॉस करवाना था तो इसीलिए इसमें अच्छी खासी हाइट देखी जा सकती है गाइस तो देख सकते हैं तस्वीरें है कुछ ऐसी आ रही हैं और मैं ऐसे ही ब्लॉक्स आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों देख सकते ये केसी केसी द्वारा इस पर ये स्टेशन बनाया जा रहा है रैपिड रेल का तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पर स्लो डाउन रहता है और ये सामने है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन आगे गई थोड़ा सा यहाँ पर करीब पाँच सौ मीटर की दूरी पर और आपको बता दूं कि इस मेट्रो स्टेशन की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन लगा रहता है इस मेरठ रोड पर देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें तो देख सकते हैं मैंने इसे दिखाने की कोशिश की है देखिए ये बीम दो बीम लग चुके हैं और अभी इसमें चार बीम और लगेंगे तो ये मशीन मशीन देख सकते हैं कि कितनी क्रेन मशीन बहुत हैवी हैवी क्रेन मशीन है कि इतना ज़्यादा वजन ये उठाती है गाइस तो मुझे तो कभी कभी डर सा भी लगता है कि कोई हादसा हो जाए या टूट जाए इनका रस्सा तो क्या हो तो इसलिए यहाँ के जो बरकर हैं और आपको बता दो जो बर्कर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सोल सोलह हज़ार यहाँ काम कर रहे हैं और ग्यारह हज़ार इसमें इंजीनियर लगे हुए हैं इस पूरे रूट को बनाने में जो कि सराय काले खां से स्टार्ट होता है और मेरठ के बेगम पुल जाके ख़त्म हो जाता है गाइस तो आपको वहाँ कर वहाँ का भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा मेरठ में कि किधर से ये लाइन जा रही है कौन से एरिया में होती हुए जा रही है दिखाने की मैं कोशिश करूँगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना गाइस कि आप देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताना देख सकते इस तरीके से ये रखे जा रहे हैं आपको बता दूँ बीम ये लोहे के बीम है गाइस देखिए ये डबल डबल है और इस तरीके से ये रखे हुए ये सामने है महामाया स्टेडियम उसका मैंने ब्लॉग डाल रखा है तो आप लोग जाकर देख लेना किस टाइप का है महामाया ये स्टेडियम और यहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं गाइस बहुत बड़ा ये आपको बता दो स्टेडियम है गाइस ये गाजियाबाद का महामाया स्टेडियम के नाम से जाना जाता है तो देखिए ये दो पिलर हैं और ये आपस में कनेक्ट किए गए हैं गाइस तो इधर ये मेट्रो का भी अच्छी खासी हाइट है तो इस वजह से इन पिलरों की भी अच्छी खासी हाइट देखने के लिए मिल रही है और आपको बता दूं कि वो सामने उधर अगर इसके पीछे देखेंगे तो इंडियन रेलवे का ब्रिज बनाया गया है वो भी लोहे से बनाया गया है गाइस और आप लोगों ने नहीं देखा है वो तो देख लेना मेरी पिछली वीडियो में जाकर या मैं लिंक का आई बटन में दे दूंगा आप लोग जाकर देख लेना गाइस देखिए ये एक लॉन्चर ये लगा हुआ है जो कि वो इधर की साइड में बढ़ रहा है यानी कि मेरठ की, की साइड में आ रहा है लेकर बनाता हुआ प्रलोक और एक उधर लगा हुआ है पल्ली साइड में जो कि वो जोड़ेगा इंडियन रेलवे के ब्रिज से जाके उधर तो ये नज़ारा और गाइस आपको बता दें ये जो रोड जा रही है ये सिद्धार्थ बिहार के लिए जा रही है जो वो बिल्डिंग से चमक रही हैं वो सिद्धार्थ बिहार है और ये दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस में जाकर मिल जाता है और वहाँ से ताज हाईवे मिल जाता है जो कि ग्रेटर नोएडा और आपका ये यमुना एक्सप्रेस पर निकल जाता है गाइस तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गाइस और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में के पी संत कंटिन्यू गाइस लाता रहेगा अब पड़े तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कुछ ऐसी हैं यहाँ की गाज़ियाबाद के ये सहीद स्थल मेट्रो स्टेशन की तो इस टाइप की तस्वीरें और देखिए ये तेज़ी के साथ में बन रहा है ये स्टेशन गाइस तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो गाइस तो देख सकते हैं अब हम चलेंगे यहाँ से क्रॉस करेंगे यानी कि राइट में तो देख सकते हैं ये फ्लाई है और राइट वाली मेट्रो मेट्रो है तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इस पर हम मेरठ रोड पर और यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे जो कि दोहाई जाके पहुँचेंगे और दोहाई आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कितना वर्क हो चुका है और कौन सी कंपनी वर्क कर रही है तो देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन लग रहा है बहुत ज़्यादा तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ ये इतना ऊंचा स्टेशन बनाया जा रहा है डेली टू मेरठ आर आर टी एस कॉरीडोर का गाइस तो देख सकते हैं अब यहाँ से हम निकलते हुए चलेंगे देखिए अब यहाँ से हम निकलते हुए चल रहे हैं आपको दिखाते हुए और आपको बता दो गाइस कि इधर तो है के जो वर्क कर रही है कंपनी के और इसका जैसे ये प्लर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से जो कंपनी वर्क कर रही है वो है को इधर यहाँ से ये को कंपनी स्टार्ट हो जाती है और को कंपनी द्वारा देख सकते हैं ये किस तरीके का वर्क चल रहा है यहाँ पर ये देखिए इसमें अभी इसमें पिलर कैप का काम होना है बाकी पिलर कैप का काम बचा है तो इसमें अभी भरा जा रहा है इसमें ये पिलर भरा जा रहा है देखिए ये पिलर कैप का काम चल रहा है और इधर ये लॉन्चर की मदद से ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ता हुआ ला रहा है जो कि मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है गाइस देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है यहाँ पर ये तेजी के साथ में एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देता है यानी कि चार से पाँच दिन के अंदर अंदर भीतर भीतर ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर देता है तो बहुत ही फ़ास्ट ये आपको बता दो लॉन्चर की मदद से ये बहुत ही फ़ास्ट काम हो रहा है और इसमें दो हज़ार तेईस तक यहाँ पर मेट्रो चलनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको बता दो गैस कि जो ये मेट्रो जो आई है ये रैपिड मेट्रो ये आपको बता दूँ कि 180 किलोमीटर की रफ़्तार से ये दौड़ेगी गाइस तो इसमें कुछ गिने ही चुने स्टेशन हैं जो मैन मैन जगहों पे है आपको बता दो कि यहाँ से आपको बता दो क्या पहला स्टेशन ये है गाज़ियाबाद का दूसरा स्टेशन है आपका पाँच नंबर भट्टा के पास में उसका नाम भूल गया याद नहीं आ रहा वो अगली वीडियो में आपको बता दूँगा मैं तो वहीं तक चल रहे हैं आज हम और देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना काम हो चुका है तो आपको बता दूं कि इधर तो जोड़े जा रहे अभी बिजली के खंभे भी नहीं लगे हैं मतलब इलेक्ट्रिक के खंभे भी नहीं लगे हैं तो इधर तो पूरा काम हो चुका है कम्प्लीट क्यों इधर अभी साइड कैप का काम होना है जो साइड में कैप लगती है फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक के खंभे लगाए जाते हैं गैस तो वो अभी बाकी है और इस पर अभी इन पर तो अभी लिखा भी जाएगा क्योंकि आज को आप आपको बता दूं के दूसरा देखिए लॉन्चर ये लगा है जो कि ये इसे जोड़ने के बाद में ये यहाँ से उतर जाएगा गाइस और ये पहुँचेगा जाके आगे यानी कि दुबई के पास में ये लॉन्चर पहुँच जाएगा तो देख सकते ये दो दो लॉन्चर हैं अभी जो दूसरा स्टेशन मेट्रो स्टेशन आएगा उसके और इसके बीच में ये दो इंच दो लॉन्चर हैं बचे हुए हैं वो भी तेज़ी के साथ में वर्क कर देंगे तो ये इसे जोड़ने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा और आपको बता दो ये कंपनी जो वर्क कर रही है वो है को कंपनी द्वारा ये वर्क किया गया है इस पर तो देख सकते हैं कि नज़ारा बहुत ही सुंदर है गाइस और ये आपका और हमारा भविष्य बन रहा है जो आने वाले टाइम में कि हमें बिल्कुल जाम से बिल्कुल दिक्कत ख़त्म हो जाएगी जो घंटों का जाम हम जाम का सामना करना पड़ता है वो ख़त्म हो जाए और ये पुराने बस अड्डे के लिए चला जाता है राइट में गाइस तो देख सकते हैं कि हमारा ये भविष्य आने वाले टाइम में हमारा भविष्य चेंज होने वाला है गाइस मात्र पंद्रह से बीस मिनट में हम गाज़ियाबाद से और मेरठ पहुँच जाएंगे गाइस तो इतना मतलब कि सुधार होने वाला है और नीचे रोड बन जाएगी और ऊपर मेट्रो चलेगी गाइस तो बहुत ज़्यादा हमें सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी जो हमें भविष्य में आगे हमारे और आपको बता दूँ कि मोदी जी ने पहले ही ये पॉइंट ले रखा है कि डिजिटल इंडिया बनाना है भारत निर्भर हमें बनना है अपने आप को तो आप बता दूं गाइस के अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहिए और अपना काम करने की कोशिश कीजिए मेरी तो यही आशा है आप लोगों से क्योंकि दूसरे की नौकरी में कुछ नहीं मिलता सिर्फ गाली का पड़ी मिलता और कुछ नहीं मिलता है गाइस आपको बता दो और ये सारे मारुति के शोरूम हैं और यहाँ पर ये टू व्हीलर बाइक के होंडा और सुजुकी और ये आपको बता दूँ हीरो तो यहाँ से देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो यहाँ से ये पिलर हटा दिए गए हैं नीचे की जो वो साइडों में जो पट्टी लगी हुई थी वो हटा दी गई है नीचे से और ऊपर आपको बता दें साइड कैप का काम हो चुका है और इसमें इलेक्ट्रिक के खंभे भी लग चुके हैं तो यहाँ पर आपको बता दो कि बीच में पटरियाँ बिछाई जा रही हैं गाइस और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें गैस ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में अब पर डे आते रहेंगे के पी संत के द्वारा गाइस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं डेली टू मेरठ आर आर टी एस कॉरीडोर का कंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो आप लोग के पी संत के चैनल पर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहूँगा आप लोगों के बीच पर डे किसी न किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के बीच में तो निराश होने की जरूरत नहीं है गाइड्स कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आप लोगों को निराश ना पर डे एक ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिले के पी संत के चैनल पर गाइस तो देख सकते हैं और ये आ जाता है आपका डेली पब्लिक के स्कूल का रास्ता जो राइट में जाता है और आपको बता दूँ ये एफको ही कंपनी ही अभी बर्क चल रहा है इस पर बहुत लंबा चौड़ा बर्क है इसका बहुत लंबा चौड़ा के बीच बीच में ये एफको कंपनी ही ज़्यादा बर्क कर रही है इस रूट पर आपको बता दो गाइस कि इसमें एल एंड टी वी है एफको है के सी है और भी है अभी तीन चार का तो पता है और आगे आगे जैसे जैसे ब्लॉग्स आप देखोगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा और बताता रहूँगा गाइस के कौन सी कंपनी कहाँ पर वर्क कर रही है और किस टाइप का वर्क कर रही है तो इसमें आपको बता दू सोलह लाख वर्कर हैं और ग्यारह हजार इसमें इंजीनियर्स काम कर रहे हैं गाइस जो कि दिन रात काम चल रहा है डेली टू मेरठ कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ में वर्क हो रहा है सन दो हज़ार तेईस में दोस्तों ये आधा इसका पार्ट बिल्कुल इसका मुहूर्त हो जाएगा और दौड़ने लग जाएगी तो ये दुहाई तक आपको बता दूं दुबई डिपो तक ये दौड़ना स्टार्ट कर देगी इस आने वाले टाइम में तो मेरा कुछ ऐसा ही मानना है और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप भी आगे चल रहे हैं इधर एक और वो आने वाला है मेट्रो स्टेशन तो वहीं पर ये ब्लॉक एंड हो जाएगा गाइस तो अब मेरी आप सभी से आशा है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स आप लोगों के बीच में कंटिन्यू आते रहेंगे गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते हैं